हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी हम पहुंच गए अपने किचन में रात का डिनर बनाने के लिए। वैसे तो ये हम शाम को नाश्ता में बनाने वाले थे, इसलिए दोपहर को ही सारा सोच लिए थे क्या बनाना है, पर शाम को आ गया समोसा तो नाश्ते में वही खाए, तो इसीलिए अभी जो नाश्ते में बनाने वाले थे वो अभी हम बनाने वाले हैं रात को डिनर में। तो ये है बड़े वाले दाने साबूदाने के, जिसको मैंने दोपहर को ही पूरा अच्छे से भिगो के रख दिया था ताकि 4-5 घंटा अच्छे से भीग जाए। और गैस आपको बता दें कि इसमें अगर आप भिगा रहे हैं ना तो पानी ज़्यादा मत दीजिए, जितना साबूदाना है उतना ही लीजिए ताकि खिल के आए। और उसके लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं सब्जी, जो वेजिटेबल लेने वाले हैं, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और हरा मिर्च और अदरक। तो इसको हम छील लेते हैं अच्छे से और एकदम क्यूब में छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट लेते हैं, क्योंकि साबूदाना का साइज छोटा है और तो इसका भी साइज हमें छोटा ही रखना है, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं लेना है, क्योंकि अभी बाद में जब बनेगा तो उसका छोटा बड़ा साइज रहेगा तो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लस देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको छोटा छोटा ही काटेंगे। तो ये हमारा रेडी। पर गैस एक चीज़ आपको हम दिखाने मिस कर गए, वो आलू। आलू मैंडेटरी है गैस, आलू को भी एकदम छोटा छोटा क्यूब में ही काटना है। विदाउट आलू मतलब ये जो बनने वाला है पोहा, काइंड ऑफ पोहा बोल सकते हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आलू प्लस कच्चा मिर्चा वो आप ज़रूर डालिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों ऑयल की जगह हम रिफाइन ऑयल लिए हैं, जहाँ पे तेल गरम होने के बाद हम इसमें गोटा जीरा डाल दिए हैं। और गोटा जीरा अच्छे से भुना जाने के बाद हम इसमें डालते हैं प्याज, जो अभी फ़िलहाल हम काटे थे, तो उसको थोड़ा देर 1 मिनट जैसा अच्छे से चलाएँगे। उसके बाद हम जो वेजिटेबल काटे थे, बाकी गाजर, शिमला मिर्च, कच्चा मिर्च, वो सारे एक ही बार हम डाल देंगे, प्लस आलू भी। तो हमको इसको अच्छे से चलाना है और अच्छे से पकाना है, क्योंकि साबूदाना तो वैसे भी अच्छा से पका हुआ है, मतलब भिगोने के बाद वो खिल जाता है, तो वैसा पकने का कुछ बात ही नहीं है। तो हमें मेन ये वेजिटेबल ही पकाना है, तो इसको अच्छे से हम अभी चला लेते हैं और भूंज लेते हैं ब्राउन होने तक। तो ये अभी हल्का सा ब्राउन हो जाता है, ब्राउन हो गया है, देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा से कम हो गया क्वांटिटी भी इसका। तो अभी इसमें हम देने वाले हैं स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक, ज़्यादा मत दे दीजिएगा क्योंकि साबूदाना में नमक रहता ही है, तो इसलिए हम थोड़ा कम ही नमक देते हैं। अगर आपको जैसे ही ज़्यादा बाद में लगे फील की कम है तो हम लोग बाद में डाल देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे अदरक का पेस्ट दे दिए, इसको भी डाल के हम अच्छे से भूनते हैं। अब इसमें हम डालते हैं हल्दी, जीरा। जीरा की क्वांटिटी हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, हम यहाँ पे 3 चम्मच जीरा डाल रहे हैं और हल्दी 1 चम्मच ही डालें। उसके बाद इसमें हम और कुछ नहीं, ज़्यादा गोलकी का पाउडर ही डालेंगे। ज़्यादा मसाला इसमें नहीं देना है, 3 ही चीज़ देना है। अगर आपके पास मैगी मसाला है तो मैगी मसाला भी आप दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है। और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से चलाएंगे और इसको भूनेंगे गाइस, तो अच्छे से ये सारे वेजिटेबल में मसाला मिल जाए। और इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसको थोड़ा देर के लिए ढक के पकाएंगे, क्योंकि आलू कच्चा ना रह जाए। तो 2-3 मिनट बाद ढकने के बाद देख सकते हैं मसाला भुंजा गया है। तो चलिए आलू चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि मस्ट है, आलू पकता नहीं है, गाजर शिमला मिर्च तो पक जाता है। तो आलू भी मेरा पक गया है, अब ये मेरा हो गया है रेडी। तो अभी हम इसमें डालेंगे जो साबूदाना मेरा भिगो के रखा हुआ था, वही डालते हैं। तो देख सकते हैं मेरा साबूदाना कितना अच्छा खिल गया है, एक एक दाना अलग हो गया है गाइस। तो वैसे ही इसको भिगाना है बहुत अच्छे से, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं देना है पानी में, नहीं तो गीला हो जाता है। तो इसको अभी हम डालने के बाद बहुत अच्छे से मिलाएंगे, ताकि जितने मसाले वेजिटेबल है वो सारे साबूदाना में अच्छे से आ जाए। और इसको मिलाने के बाद हमें इसे कुछ देर ढक के पकाना है, ताकि जो साबूदाना है वो सॉफ्ट तो है ही, बट और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 2-3 मिनट के बाद देखिए गाइस कितना अच्छा कलर, एकदम कलरफुल दिख रहा है। ये खाने में भी गाइस बहुत ही यमी लगता है, आप बच्चों के लिए टिफिन में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मेरा ये अभी रेडी हो ही गया ऑलमोस्ट। तो लास्ट में हम इसमें जो बादाम आता है विदाउट छिलका वाला, वो डाल देते हैं, क्योंकि छिलका वाला भी डाल सकते हैं, बट छिलका वाला क्या है, मुँह में छिलका लगता है तो अच्छा नहीं लगता है।
तो हम विदाउट छिलका वाला ही लेते हैं और इसको थोड़ा देर के लिए अच्छे से मिलाने के बाद देखिए मेरा फाइनली रेडी हो गया साबूदाना का पोहा। तो अभी इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए गाइस, और इसको आप प्याज, कच्चा मिर्च, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं।